दोस्तों ये भाई ठुकराल की ई रिक्शा, जी हाँ दोस्तों, जो कि मार्केट में सबसे सस्ते प्राइस पर आपको मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई भी ई रिक्शा समझ में ना आ रहा हो तब दोस्तों आप इस रिक्शा को बाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इसमें आपको दो वेरिएंट देखने के लिए मिल जाते हैं। सबसे पहले अभी जो आप ये वेरिएंट देख रहे हैं ये है भाई बटरफ्लाई में, और इसके साथ में जो है एक और मॉडल जो है देखने के लिए मिल जाता है जो कि भाई टी शेप में आता है। जी हाँ दोस्तों, आपको जैसा वेरिएंट भी पसंद हो वैसा आप ले सकते हैं। अब अगर मान लो बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो जैसा इसका प्राइस है उस हिसाब से इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बढ़िया है। और जैसे कि ठुकराल जो है एक जानी मानी ब्रांड है और कई साल से जो है भाई मार्केट में काफ़ी अच्छा जो है काम कर रही है, काफ़ी अच्छा जो है पकड़ बनाई हुई है। दोस्तों आज वैसे अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है, तो आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, और जितने भी अपने भाई श्रमिक भाई हैं और जो वर्कर हैं लेबर हैं उनको बस मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई आप लगे रहें, तरक्की करते रहें। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें जो चक्का लगाया गया है वह भी भाई एक हैवी क्वालिटी का दिया जा रहा है, और साथ ही साथ में जो टायर्स हैं तो दो कंपनी के टायर्स यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। एक तो भाई सीएट कंपनी जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है उसका टायर्स जो है मिल जाएगा, और रालको का मिल जाता है। और भाई गारंटी वारंटी की बात करें तो लगभग 1 ईयर की जो वारंटी है मिल जाती है, 15 महीने वाली बैटरी इसमें मिल जाएंगी, और 15 महीने की बैटरी भी कुछ ज़्यादा जो है जो ये कंपनी है यहाँ पर अगर आप परचेस करते हैं तो थोड़ा बहुत बढ़ा करके दे देते हैं अपनी तरफ से, लेकिन 15 महीने की ही बैटरी जो है इसमें देखने के लिए आती है। ईस्टमैन की बैटरी आती है और लिवगार्ड की आती है, तो आप दोनों में से जो भी पसंद करें वो आप ले सकते हैं। और जो टायर्स हैं उसके फूलने वगैरह की जो है गारंटी वारंटी होती है, मोटर कंट्रोलर्स की 1 ईयर की होती है। और हालांकि यहाँ पर जो जो ये शोरूम है तारिक भाई का शोरूम है, यहाँ पर जो है आपको वारंटी अदर से ज़्यादा मिल जाती है, लगभग 2 ईयर की भी कर देते हैं। वो डिपेंड होता है कि भाई आप जो है किस समय पर परचेस कर रहे हैं। अभी जैसा कि आप यहाँ पर देख पाएंगे तो यहाँ पर जो है आर्मी ग्रीन कलर में भी आपको ये ई रिक्शा जो है देखने के लिए मिल जाएगी। और वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि यहाँ पर जो कलर ऑप्शंस हैं वो भी आपको नज़र आ जाएंगे, कि ये लग जाएगा कि आपको कलर कौन कौन से इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये हो गया है कि ग्रीन कलर, दूसरा जो कलर देखेंगे आप तो वो ब्लैक में है, ये आप देख पा रहे हैं, ये भाई ब्लैक कलर में है, कुछ इस टाइप का आता है। और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर ये भी है कि इस ई रिक्शा में डिज़ाइन जो है काफ़ी खूबसूरत देखने के मिल जाता है, और जो इसकी सीट है वो काफ़ी मोटी भी सीट है, और मोटाई के साथ साथ जो है इसकी लेंथ काफ़ी अच्छी है, और सीट की जो क्वालिटी है वो भाई A1 क्वालिटी की मिलने वाली है जो कि जल्दी से बैठती नहीं है, ये आप देख पाएंगे भाई ये सीटें जो हैं काफ़ी अच्छी चलती हैं। अब इसके मोटर कंट्रोलर्स की भी बात करेंगे तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर भाई एक हैंड ब्रेक भी मिल जाता है जो आल्टो कार में आता है, सेम वैसे ही दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये स्पेस है, यहाँ पर आप अपना कोई भी सामान कैरी कर सकते हैं। अधिकांशतः जैसे कि ये ई रिक्शा जो है काफ़ी सस्ती है, उस हिसाब से कहीं पर कि इस प्राइस रेंज में जो है आपको स्पेस देखने के लिए ई रिक्शाओं में नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पर इस चीज़ का जो है खास ध्यान रखा गया है। अब इसको ओपन करके मैं दिखाऊंगा कि मोटर जो है सॉरी इसका जो कंट्रोलर्स है वो कैसा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है 1200 वाट की मोटर मिलती है, 1200 वाट का इसका जो है कन्वर्टर और कंट्रोलर्स देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये भाई एक बोर्ड है पूरा, उस पर जो है एक ये लगा दिया गया है। यहाँ पर आप देखिए ये कन्वर्टर है और साइड में जो है कंट्रोलर्स दिया गया है। कंट्रोलर्स ऐसा है कि अगर कोई भी फॉल्ट होता है तो यहाँ पर लाइट लगी गई है इसमें, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर लाइट दी गई है और वो लाइट जो है ब्लिंक करने लगेगी तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई इसमें क्या फॉल्ट आ रहा है। तो भाई स्मार्ट चीज़ें आ गई हैं अब मार्केट में, साथ ही साथ में सेंटर लॉकिंग सिस्टम जो है इसमें देखने के लिए मिल जाता है। ओवरऑल अगर इसके फीचर्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है दोस्तों आपको एक डिजिटल मीटर भी देखने के लिए मिलेगा, ये देखिए आप डिजिटल मीटर है। और भाई इसकी जो नाल है ये देखिए भाई, नाल के साथ में ये लॉक भी दिया जा रहा है, हैंडल लॉक जल्दी से किसी भी ई रिक्शाओं में देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर हैंडल लॉक भी दिया गया है भाई, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और ये देखिए भाई नाल जो है डबल नाल का जो है ये दिया जा रहा है, साथ ही साथ में चेकर प्लेट दी जा रही है जो कि आपने बसों में लगी हुई देखी होगी, यहाँ पर ये देखिए आप चेकर प्लेट भी दी जा रही है भाई। जैसे सामान कुछ बाहर गिर गया है, मैं थोड़ा अंदर रख देता हूँ उसमें। तो गाइज़ यहाँ पर देखेंगे तो ये बटरफ्लाई मोड में जो है आपको ये चीज़ें जो है देखने के लिए मिल जा रही है। टी शेप वाला भी आने वाला है। अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ तो एक्स शोरूम प्राइस लगभग 1,20,000 से स्टार्ट हो जाता है, एक्स शोरूम बता रहा हूँ, ऑन रोड प्राइस आप कंफर्म कर सकते हैं, मोबाइल नंबर में कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा। आइए दोस्तों अब बाकी चीज़ें देख लेते हैं। जैसे कि ये फ्रंट में एक ग्लास टाइप लगाया गया है, यहाँ से जो है आप जो है कोई भी पैसेंजर बैठ के चेहरा भी देख सकते हैं, हालाँकि चेहरा देखने से कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि इसमें जो
है एक लाइट लगाई गई है, पीछे से जब देखेंगे आप तब आपको नज़र आ जाएगा। ये भाई स्पेस देखिए कितनी ज़्यादा स्पेस यहाँ पर मिल जाएगी, और चेकर प्लेट दी गई है तो ये आप देख सकते हैं भाई काफ़ी खूबसूरत देखने में लगती है। तो यहाँ पर रेड कलर, चेरी कलर, ब्लू कलर और ब्लैक कलर मिल जाएगा, ग्रीन कलर में मिल जाएगा, यानी कि लगभग 12-13 कलर ऑप्शंस जो है यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। अब डिपेंड करता है कि भाई आपको कैसा कलर जो है, कौन सा कलर आपको पसंद है। ये है भाई इसके छत, ये देखिए भाई इसका रूफ़ कैरियर देख सकते हैं, ओवरऑल जो ई रिक्शा है उसको देख सकते हैं आप। और इनका जो माल है भाई वो जल्दी से मिलता नहीं है, और आज जो है जैसे ही माल आया है वैसे ही मैं ये जो वीडियो है वो बना रहा हूँ दोस्तों। और यहाँ पर आप देख पाएंगे भाई यहाँ पर मिरर वगैरह सब कुछ ऑप्शंस जो है आपको देखने के लिए मिल जाता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर सर्विस आपको अच्छी मिलती है। तो ठुकराल की कंपनी की जो सर्विस है वो काफ़ी अच्छी है, और जिस शोरूम की मैं बात करूँ तो ये शोरूम पर काफ़ी अच्छी सर्विस मिल जाती है भाई। अदर शोरूम की कोई गारंटी नहीं लेता है, ठीक है, तो मैं भी नहीं लूँगा, बाकी यहाँ शोरूम पर अच्छी जो है सर्विस मिल जाती है। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पीछे से देखने पर ई रिक्शा कुछ इस टाइप का लगने वाला है आपको, और साथ ही साथ में जो वाइंड सील्ड है वो भी काफ़ी अच्छा मिलने वाला है, और यहाँ पर वाइपर भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आगे भाई कुछ इस टाइप का जो डिज़ाइन में मिल जाएगा, थ्रोटल्स आप देख पाएंगे भाई जो कि काफ़ी बढ़िया है। अब मोटर की अगर मैं बात करूँ तो सिवाई गोल्ड की मोटर्स यहाँ पर मिल जा रही है, कमानी पट्टे इसके काफ़ी मजबूत हैं, डिजाइन शोकर के साथ में आते हैं, साथ ही साथ में भाई बैलेंसिंग रोड जो कि सभी रिक्शाओं में आती है। डिज़ाइन दिखाने की कुछ कोशिश करूँगा साइड से, तो ये देखिए दोस्तों इसका ये है कुछ इस टाइप का डिज़ाइन। ठुकराल की ब्रांडिंग यहाँ पर मिल जा रही है आपको, ये यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर जो है ये भी एक डिज़ाइन है जो कि भाई आप लोग देख सकते हैं। तो गाइज ओवरऑल देखा जाए तो A1 क्वालिटी की ई रिक्शा है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है भाई, ठुकराल जो है बेस्ट कंपनी है एकदम। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।